फ्रेंड्स, मैं हूं काजल। मैं हूं सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं सैयद हाशमी मियां जी का बयान है नबी नूर है या बशर। इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस किए हैं पर ये वीडियो आया था लिंक में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं बहुत दिनों से वीडियोस में नहीं था क्योंकि मैं मतलब जॉब की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला और काजल ने सब कुछ वीडियोस किए, तो चलिए देखते हैं वीडियो। कोई शकी नहीं था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, कभी शक पैदा नहीं हुआ। इसी वजह से जब इंतकाल हुआ किसी ने नहीं कहा कि नूर है ऊपर चले जाएंगे हम रख के देखते हैं, कहा कि क्या है कब्र खोदने की तैयारी करो। का अकीदा नहीं है बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान हकीम हमें तालीम देता है। सूरत कहफ आखिरी आयत है, कुल ऐ नबी कहो, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। अल्लाह के नबी के बारे में ये अकीदा, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने नूर से पैदा किया होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी नहीं खाना चाहिए था, नहीं पीना चाहिए था। अल्लाह की बीवी नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी नहीं होनी चाहिए थी। ये तो भाई मर्द और औरत ये इंसान है, बच्चा भी इंसान ही पैदा होता है। अगर अल्लाह नूर मोहम्मद नूर तो शादी भी किसी नूरानी मखलूक से होनी चाहिए थी, लेकिन हजरत खदीजा तो खाकी है, मिट्टी से पैदा हुई है, नूर का और मिट्टी का ये जोड़ा बन कैसे गया? हालांकि वो कुरान है और कुरान का वो ट्रांसलेशन मानने से आपका इस्लाम गायब। करो जरूर ट्रांसलेशन मगर जो क्लियर है वो मानो मत। फॉर एग्जाम्पल यदुल्लाह फौकाइदीहिम, इट इज कुरान। ट्रांसलेशन करने को तो कर लू ले जाएंगे, हैंड ऑफ अल्लाह अपॉन योर हैंड्स, हैंड्स ऑफ अल्लाह अपॉन देयर हैंड्स, तर्जुमा हो गया अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। यदुल्लाह यद माने हैंड, यदुल्लाह हैंड ऑफ अल्लाह, यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, तर्जुमा करने को तो कर गए। अब कितने मौलवी हैं जो कुरान की बेसिस पर अल्लाह को हाथ माने? अल्लाह को हाथ है, अल्लाह को पैर है, अल्लाह को बॉडी है, अल्लाह के जिस्म है। जब जिस्म ही नहीं तो हाथ कहां से आएगा? और जब हाथ मानेंगे तो इस्लाम में रह पाओगे? अगर हाथ मान लिया तो फिर वो जगह भी माननी पड़ेगी जहां हाथ फिक्स होता है, और जब चेस्ट मान लिया तो पेट मानने में क्या तकलीफ है? और जब पेट मांगोगे तो दो टांग तो जरूर फाउंडेशन के लिए मानना पड़ेगा। चले थे खुदा मानने, पूरा बुत तैयार है। अल्लाह हाथ पैर से पाक है, जिस्म जिस्मानी आपके पास है, ना अल्लाह को बॉडी है, ना उसको स्ट्रक्चर है, ना वो स्टेच्यू है, ना उसके हैंड है, ना उसके लेग्स है, ना उसके बॉडी है। ईमान ये है कि अल्लाह को हाथ नहीं, और कुरान ये है यदुल्लाह। ईमान ये है कि अल्लाह के पैर नहीं है, हाथ नहीं है, बट कुरान इज सेइंग दैट यदुल्लाह। तो यदुल्लाह से इनकार करो तो काफिर, और हाथ मान लो तो काफिर। इसलिए कि यदुल्लाह से इनकार किया तो डिनाई ऑफ कुरान, और मान लिया तो पिक्चर ऑफ अल्लाह। अल्लाह के पिक्चर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, तो मानने में भी गड़बड़ है, ना मानने में भी। तो कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं कि तर्जुमा किया जाता है, लेकिन जो तर्जुमे का क्लियर है, जो तर्जुमे में जाहिर हो रहा है, वो खुदा की मुराद नहीं है, वो खुदा की मंशा नहीं है, वो खुदा की मर्जी नहीं है। और जो खुदा की मर्जी है वो ट्रांसलेशन में मौजूद नहीं है, वो ट्रांसलेशन में क्लियर नहीं है, तो ऐसी आयत को मुतशाबहात कहते हैं। वो आयत कुरान की, वो आयत जिसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, उसको अरबिक में कहते हैं मुकत्तियात। हुरूफ मुकत्तियात, अलिफ लाम मीम काफ या इन साद हा मीम ऐन सीन काफ, दीज आर हुरूफ मुकत्तियात, अनेबल टू ट्रांसलेट। लेकिन दूसरी आयत की किस्में है मुतशाबहात, कि कुरान तर्जुमा करने को तो आप कर लेंगे, लेकिन जो उसका जाहिर है वो खुदा की मुराद नहीं है, जो खुदा की मुराद है वो तर्जुमे में जाहिर नहीं है। यानी ट्रांसलेशन में जो चीज आ रही है वो अल्लाह की मंशा नहीं है, जो अल्लाह की मंशा है वो ट्रांसलेशन में नहीं है। तो ऐसी आयत को मुतशाबे कहते हैं, और ऐसी आयत से अकीदा बनाना जायज नहीं। अरे जब अल्लाह की मंशा नहीं मालूम तो अकीदा कैसे बना रहे हो? जब अल्लाह की मर्जी नहीं मालूम तो अकीदा क्या बना रहे हो? ट्रांसलेशन तो कर लिया लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं मालूम, तो मर्जी बनेगी अल्लाह की मर्जी से, अकीदा बनेगा अल्लाह की मर्जी से, मसला बनेगा अल्लाह की मर्जी से, शरीयत का कानून होगा तो अल्लाह की मर्जी से। जब मर्जी मालूम नहीं तो कानून क्या बनाओगे? जब मर्जी मालूम नहीं तो अकीदा क्या बनाओगे? तो आयत मुतशाबे उसको कहते हैं कि यू आर एबल टू ट्रांसलेट बट यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट। आयत को मानेंगे, आयत के एक एक लफ्ज को मानेंगे, कुरान की आयत के एक एक हर्फ को मानेंगे, मगर ट्रांसलेशन में जो क्लियर है वो तो कह देंगे, वे जो क्लियर है वो अल्लाह की मंशा नहीं है, और जो अल्लाह की मंशा है वो क्लियर नहीं है। मसलन सेकंड एग्जांपल, अल्लाह नूरु समावात वल अर्ज,
مثل نوری کمشکے تن فی ہم اسباح, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, اللہ از دا لائٹ آف دی ورلڈ. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ ساری دنیا کا, سارے سماوات کا, زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, اللہ نور ہے. مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال. ایک بات بتاؤ, اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کو بے مثال مانتے ہو؟ اگر اللہ کو کوئی بے مثال نہ مانے تو مسلمان ہوگا کیا؟ جو اللہ ہی کو بے مثال نہیں مانے گا, ہم اس کو مسلمان نہیں مانے گا. اللہ بے مثال یہ عقیدہ ہے نا, یہ تمہارا سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ بے مثال ہے. اللہ کی ہر صفت بے مثال ہے, اللہ کی ذات بے مثال ہے, اس کی صفت بے مثال ہے. اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نور ہے اور نور بے مثال ہے. لیکن اس بے مثال کی قرآن مثال دے رہا ہے, مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال. اے قرآن, بے مثال کی کیسی مثال؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ترجمے میں جو کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ مثال, قرآن مثال دے رہا ہے, یہ خدا کی منشا نہیں ہے. اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے, تو یہ آیت ہو گئی متشابہ. اس لیے اس آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. مثلا قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب کہہ دیجئے او پروفیٹ سے, آئی ایم اے مین لائک یو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, رسول نے یہ بات کس سے کہی؟ آئی ایم اے مین لائک یو, میں بشر ہوں تمہاری طرح, مثلکم لائک یو. تو یہ یو میں کون لوگ ہیں؟ جلالین شریف کی تفسیر بھی اٹھا کر دیگر تفاسیر بھی دیکھیں گے تو ملے گا آئین کفار, یعنی کفار سے کہا رسول نے. تو اب رزلٹ آیا آئے میں مین لائک کافر, جس سے کہا ہے میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا اپنی طرف سے. فیکٹ چاہے جتنا کڑوا ہو میں فیکٹ بیان کروں گا, کیونکہ میں ریئلسٹ ہوں. میں ریئلزم کی بنیاد پر, حقیقت پسندی کی بنیاد پر, سچائی کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہوں. رسول نے یہ بات جب کافروں سے کہی کہ میں تمہاری طرح ہوں, تو پتا چلا کہ ایگزامپل جو ہے کافروں کی طرف جا رہا ہے. آئی ایم اے مین لائک یو, تو کافروں سے رسول نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا رسول ابو جہل کی طرح بشر ہے, میرا رسول ابو لہب کی طرح بشر ہے, میرا رسول عتبہ و شیبہ کی طرح بشر ہے, میرا رسول کافر کافروں کی طرح بشر ہے, بت پرستوں کی طرح بشر ہے, دریدہ دہنوں کی طرح بشر ہے, گستاخوں کی طرح بشر ہے, اللہ کے غداروں کی طرح بشر ہے, کعبے کی بے عزتی کرنے والوں کی طرح بشر ہے. اس لیے کہ رسول اسی قوم سے کہہ رہے ہیں, رسول اسی جماعت سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کیا تمہارا عقیدہ ہے رسول ابو جہل کی طرح بشر ہوں؟ کوئی مانے گا اس بات کو کہ رسول ابو لہب کی طرح بشر ہیں؟ تو پھر ابو لہب سے رسول نے کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسلیشن میں جو ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کی منشا نہیں ہے, اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں ظاہر نہیں ہے. تو یہ آیت بھی متشابہ ہے, اور پھر اس آیت سے عقیدہ بنانا بھی ناجائز ہے. میں چکر میں پڑ گیا, جس سے جائز ہے اس سے عقیدہ بناتے نہیں, جس سے جائز نہیں اس سے کیوں بناتے ہیں؟ میاں کا جو جائز ہے وہ جائز سے بنائے گا, جو ناجائز ہے وہ ناجائز سے بنائے گا. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. واو, تو بہت ہی اچھا ویڈیو تھا, اور بہت دنوں کے بعد سید ہاشمی میاں جی کا بیان سنا. اور شاید سے ہم نے اسی کا ایک چھوٹا ٹاپک کیا تھا, ان کا ہی بیان تھا یہ, اور یہ بہت پرانا بیان ہے, اور 56 منٹ کا بیان ہم نے پہلے بھی سنا تھا. پر اس میں کلیئرلی انہیں سید ہاشمی میاں جو ہے انہوں نے پوائنٹس بتایا کہ اللہ نے جو بھی قرآن میں لکھا ہے کہ نبی نور ہے یا بشر ہے, مطلب یہ جو لوگ جیسے ہیں ان سے نبی نے ویسا کہا ہے. مطلب نبی نے ایسا نہیں کہا کہ میں مطلب واقعی میں ایسا ہوں, لیکن جو مطلب لوگوں کو سمجھانا نبی کا کام تھا. نبی آئے اسی لیے تھے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے, لوگوں کو اسلام سمجھائے کہ کیا ہے, آپ کو کیسے دین پر چلنا ہے. یہ ساری باتیں نبی کے ہاتھ میں تھی, اور نبی کو سب کو اپنے حساب سے چلانا تھا, سب کو اپنا بنا کر چلانا تھا کہ وہ ایمان لا سکے. تو نبی کو یہ کہنا بھی بہت ضروری تھا کہ میں آپ کے جیسا ہوں. اور مطلب اگر نبی یہ کہیں گے تو باقی کے لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ ہماری طرح ہو کر بھی اتنی تکلیفیں سہی ہے, یہ ہماری طرح ہو کر بھی بھوکے رہے ہیں, تو ہم کیوں مطلب اتنا سب کچھ ہو کر اتنی ساری شکایتیں کرتے ہیں خدا سے.
तो नबी को ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि लोगों को ये बातें कहे, और ये इन बातों का तर्जुमा बनाना मतलब जायज नहीं है, इन्होंने कहा, क्योंकि ये सारी बातें नबी ने लोगों के फायदे के लिए ही की है, लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। और बहुत से बयान में हमने सुना, स्टार्टिंग में ही एक दो तीन मौलाना के हमने बयान सुने कि किस तरह से वो कह रहे थे कि नबी नूर थे तो नबी की मतलब कब्र क्यों खोदी गई, नबी नूर थे तो मतलब उनकी शादियां क्यों हुई, तो उनका कहना ये था बेसिकली कि अल्लाह अगर नूर से मतलब अल्लाह तो नूर है, सबको पता है, उसमें कोई दोराय नहीं है कि अल्लाह नूर है और अल्लाह की कोई बच्चे नहीं है, उनके मतलब हाथ पैर नहीं है। अगर आप मानेंगे चीजों से पाके हो, अगर आप मानेंगे कि उनके हाथ है तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, तो इसी तरह अगर नबी के हाथ पैर है और नबी के बच्चे हैं, नबी की शादी हुई है, तो नबी नूर नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि नबी नूर नहीं है, कि नबी अलग तरह के नूर है। अल्लाह ने सिर्फ अपनी कुछ परसेंट जो ताकत है या अपना कुछ परसेंट जो नूर है वो नबी पे उतारा है, क्योंकि उन्हें इस धरती पर आना है, और धरती पर जो भी इंसान आता है वो एक शक्ल में ही आता है। और अगर नबी नूर की तरह भेजे जाते तो सभी लोग वैसे ही समझते लोगों को, मतलब नबी को, कि वो भगवान है वो, क्योंकि हमारे लोगों की ये माइंड में सेट हो चुका है कि कोई अगर कोई भी करिश्मा दिखा दे, कोई भी एक बात तो आपको समझा दे अच्छी बातें, और आपको आपका एक काम कर दे, तो लोग उसे भगवान समझने लगते हैं। और यही था खुदा को मतलब खुदा के अलावा तो कोई भगवान है नहीं, तो इन्होंने यही कहा कि नबी को हमारे हम इंसानों जैसा बनाया, और हम इंसानों जैसे बच्चे भी हुए, शादी भी हुई, तो लोगों को समझने के लिए, लेकिन लोग ये समझने के अलावा दूसरी ही बातें समझते हैं। और नबी को चुना गया कुरान उतारने के लिए। अगर ये कुरान पहाड़ों पर या किसी और जगह पर उतारा जाता तो वो चूर चूर हो जाता, हम सबको पता और है समझ कि भी नहीं आता कि कुरान की ताकत कितनी है, सबको मालूम है। और मतलब सैयद हाशमी मियां ने लास्ट में एक पॉइंट भी कहा, जो जायज लोग हैं वो जायज का ही तर्जुमा बनाएंगे, और जो नाजायज है वो गलती तर्जुमा बताएंगे। हाँ। क्योंकि इस कुरान ऐसी किताब है जिसकी बहुत सारी आयतें ऐसी है, उनका तर्जुमा इंसानों द्वारा नहीं किया जा सकता, और नबी ने भी उन आयतों का तर्जुमा बताया नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है कि उसका नबी को मालूम है। और हाशमी मियां जी डायरेक्टली टॉन्ट मार देते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन वो बातें बहुत सही होती है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।